हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और क्लास 11 के बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंगल को पूरे डिटेल में समझेंगे। और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स के जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप पर वाजिब है कि अभी के अभी जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे इस चैनल के हर एक नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं एंगल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे लेते हैं एंगल, और बड़े आराम से समझना है, बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, एंगल, ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, थीटा से। इसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। ठीक है, अब एंगल समझने से पहले देखिए एंगल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, अभी हम लोग क्या समझे, व्हाट इज एंगल। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एंगल, तो ये, ठीक है, ये एक लाइन है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये एक रे है जो इधर की तरफ जाने की बता रही है कि ये रे जो है इधर जा रही है। ठीक है, अब होता ये है कि किसी वजह से इस पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, इस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाया, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम फोर्स वाला ही रीजन ले लेते हैं कि इस पर मैंने ऐसे कुछ फोर्स लगा दिया, इसको ऐसे पुश किया। तो जैसे ही मैं पुश करता हूं तो उस पुश की वजह से, चूंकि ये हिस्सा फिक्स्ड है, ये हिस्सा इसका कैसा है, फिक्स्ड, जैसे ही मैंने इसको पुश किया तो ये अब इस डायरेक्शन से ना जाकर ये अब इस डायरेक्शन में जाने लगी। क्यों इस डायरेक्शन में जाने लगी, क्योंकि मैंने इस पर पुश किया, इस पर फोर्स लगाया, तो ये इनिशियली इधर जा रही थी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ये हिस्सा तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये मूव किया। अब जैसे ही ये मूव किया तो अब ये इस पॉइंट से, इस रास्ते पे चली गई, ये जो रे है ये इस रास्ते से इस रास्ते पर चली गई। तो जब ये इस रास्ते से इस रास्ते पे गई है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भटकना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, भटकना, कि ये अपने रास्ते से भटक गई। तो इस ये जो भटकना है, भटकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेविएशन, या ये कहिए डिफ्लेक्शन, ये दोनों ही वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो अब ये जो रास्ते से भटकी है ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन कितना भटकी है, कितना इसने डेविएशन किया, कितना इसने डिफ्लेक्शन किया, तो ये पता लगाने के लिए जो हम लोग क्वांटिटी यूज करेंगे उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या है, बात समझ में आ रही है, एंगल इज द क्वांटिटी विच टेल्स यू द डेविएशन एंड डिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल, कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एंगल, तो एंगल इज द क्वांटिटी विच टेल्स यू द डेविएशन एंड डेविएशन और डिफ्लेक्शन। जो डेविएशन और डिफ्लेक्शन बताया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ये जो यहां पर है ये एंगल हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एंगल। अब देखिए ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक आपके दिमाग में होगा, क्लॉकवाइज किसे कहते हैं, जैसे ये 12, 6, 3, 9, घड़ी कैसे चलती है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर 9 से 12, घड़ी ऐसे चलती है, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज। लेकिन घड़ी अगर हम ऐसे बढ़ें, ये 12, 3, 6, 9, और अगर हम ऐसे बढ़े 6, 3, 12, 9, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर हम ऐसे बढ़ते हैं तो ये एंटी क्लॉक है, और अगर हम ऐसे बढ़ते हैं तो ये क्लॉकवाइज है। तो देखिए यहाँ पर जो डेविएशन हुआ है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो डेविएशन यहाँ पर, ये जो डेविएशन हुआ है ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो यह इसको हम लोग दिखा देंगे थीटा से, और ये थीटा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहां जो एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा, एंगल इज पॉजिटिव। मतलब अगर डेविएशन या डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एंगल को हम लोग मानेंगे पॉजिटिव। मतलब ये 60 डिग्री है अगर, ठीक है, अभी डिग्री की बात नहीं करते हैं, एंगल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो
निगेटिव कब होगा, तो देख लीजिए निगेटिव का ये है और ये ऐसे हो गया। तो इस केस में डेविएशन कैसा हुआ, ये हुआ थीटा, तो ये इस तरह का है क्लॉकवाइज, चूंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी। वाह क्या सीन है, सब चंगा सी, बात समझ में आ रहा सी, आ गया सी, आ रहा सी तो कमेंट कीजिए आ गया सी। तो सबसे पहले व्हाट इज एंगल, एंगल इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स यू द डेविएशन। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या लिख दो, लिख ही देता हूं मैं, एंगल इज द क्वांटिटी, इज द क्वांटिटी विच टेल्स यू, विच टेल्स यू द डेविएशन, विच टेल्स यू द डेविएशन, विच टेल्स यू द अमाउंट ऑफ डेविएशन, अमाउंट ऑफ डेविएशन। बात समझ में आ रही है सी, तो आ गया सी, ठीक है। तो एंगल क्या है ये समझ गए, क्लॉक वाइज होगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक और एंटी क्लॉक किसे कहते हैं, भटकना किसे कहते हैं, ये सारी चीजें समझ चुके हैं। अब एंगल को जो हम लोग मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं, तो कुछ बेसिक्स चीज बता रहा हूं मैं, उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। 1 2 3 खचाक, ठीक है। तो एंगल के डिफिनेशन को हम लोगों ने लिख दिया है, अब इसके बाद काम करते हैं, किस चीज पर देखिए, ठीक है, ये एंगल का हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिग्री, तो डिग्री के ऊपर ये समझ गया आप, क्वांटिटी विच टेल्स यू द अमाउंट, इसी के मेजरमेंट को अलग अलग तरह से मेजर करना ही अलग अलग सिस्टम में उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। तो यूनिट को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री, ठीक है, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, इज द यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का यूनिट है कौन, डिग्री, ठीक है, एंगल का यूनिट कौन है, डिग्री है, ठीक है, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, सीधा बात, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल। अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री देखिए सर, 90 डिग्री का ड्रॉ करने आता है बेहतरीन तरीके से, तो ड्रॉ कर दो ये 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सर 360 डिग्री भी ड्रॉ करने आता है, वाह क्या बात है, वाह क्या सीन है, 360 डिग्री सर, 180 डिग्री भी आता है, वाह क्या सीन है, कर दो 180 डिग्री सर, 270 भी करने आता है, वाह क्या सीन है, कर दो 270 डिग्री। अब आप देखोगे ये सब जगह मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया इसका मतलब कि सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये डिग्री है, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल। अब हम लोग कहानी समझते हैं, ठीक है, अब हम लोग कहानी समझते हैं इसको थोड़ा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी समझना है किसके लिए, तो अब कहानी समझना है, ठीक है, रेडियन के लिए, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, या यहां एक चीज और लिख देते हैं, डिग्री इज लार्ज यूनिट, डिग्री इज, इसको बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से, डिग्री इज लार्ज यूनिट, मतलब बड़ा यूनिट है, डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है। अब बात करते हैं किसकी, तो रेडियन की, ठीक है, रेडियन इज, रेडियन इज यूनिट ऑफ, रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगल, मतलब डिग्री भी, जैसे देखिए लेंथ, अगर आप लेंथ की बात करते हैं तो मीटर भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है, तो उसी तरह एंगल का डिग्री भी यूनिट है, रेडियन भी यूनिट है, और ग्रेड भी है, आगे बताएंगे ग्रेड भी होता है, तो रेडियन भी यूनिट है, डिग्री भी यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज यूनिट है और रेडियन स्मॉल यूनिट है, रेडियन इज स्मॉल यूनिट, रेडियन इज स्मॉल यूनिट, रेडियन क्या है, स्मॉल यूनिट है। स्मॉल यूनिट कहने का मतलब एग्जांपल जैसे किलोमीटर की बात करें या मीटर की बात करें, तो मीटर हो गया डिग्री, सेंटीमीटर हो गया रेडियन, मीटर क्या है, लेंथ का, लेंथ की बड़ी यूनिट, मीटर लेंथ की
बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर लेंथ की छोटी यूनिट है, उसी तरह डिग्री बड़ी यूनिट है और रेडियन छोटा यूनिट है, ठीक है। अब रेडियन समझना है हम लोगों को कि रेडियन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल में देखिए तो ये एक रेडियस है, ठीक है। ये क्या है? रेडियस। तो इसका नाम दे देते ओ और पी, और फिर एक और मान लीजिए कि ये रेडियस है और आपको मैंने डेविएशन के बारे में बताया है, तो ये मान लीजिए ऐसे है और ये फिर पहुंच गया यहां पर, तो ये लाइन अब ऐसे हो जाएगी, तो ये डेविएट हुआ, डेविएट हुआ तो यहां पर एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं क्यू। तो यहां पर ओपी और ओक्यू बराबर किसके? रेडियस के। ये रेडियस है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क। और आर्क की लेंथ, ये लेंथ अगर मान लेते हैं PQ, L है यहां पर, PQ क्या है? PQ आर्क, PQ है आर्क, और आर्क की लेंथ कितनी है? L। कोई दिक्कत इसमें? और मान लीजिए कि ये जो एंगल बना यहां पर, ये जो, इसको हम लोग थीटा से दिखा देते, ठीक है। तो सिंपली एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? तो एंगल का फॉर्मूला होगा आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल यहां पर क्या है? थीटा। आर्क क्या है? एल। रेडियस क्या है? ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, आर। तो ये एंगल का फॉर्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब देखिए, अगर इफ आर्क की लेंथ हो जाए वन, आर्क की लेंथ हो जाए आर जितनी, एल बराबर अगर आर हो जाए, मतलब ये जो आर्क है ये उतनी ही बड़ी हो जितनी की, जितना की ये रेडियस है, ये जो आर्क है ये उतनी ही बड़ी हो जितना की ये रेडियस है, मतलब एल बराबर आर। तो जब एल बराबर आर होगा तो थीटा बराबर आर और कट के वन, और ये जो वन होगा इसको हम लोग कहेंगे वन रेडियन। तो वन रेडियन कब कहेंगे? बात समझ में आ रही है आपको? वन रेडियन कब कहना है? जब आर्क की लंबाई रेडियस जितनी हो, और उस केस में जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पर उसको हम लोग कहेंगे वन रेडियन। और रेडियन बना है रेडियस से, याद रखिए, रेडियन बना है किससे? रेडियस से। रेडियन किससे बना है? रेडियन। रेडियन किससे बना है? रेडियस से बना है। रेडियन बना है रेडियस से। रेडियन बना है रेडियस से। यस, बात समझ गए? बहुत अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब रेडियस जितना, रेडियस की लंबाई जितना आर्क होगा, उस केस में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग रेडियन बोलेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, बेहतरीन समझ में आ रहा है। जियो जियो, यही तो चाहिए था। अब इसमें थीटा बराबर एल अपॉन आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब ठीक है, सब चंगा सी, ओके। अब मुझे एक काम करना है। क्या काम करना है? देखिए, अब मुझे काम यह करना है कि अगर मैं यहां पर एक काम करूं, ठीक है, काम क्या है देखिए, कि अगर मैं चाहूं, मैं, मेरे दिमाग में यह बात है कि ये जो आर्क है, ऐसा आर्क इस पूरे सर्कल में कितना होगा, ऐसा आर्क इस पूरे सर्कल में कितना होगा, मुझे जानना है नंबर ऑफ आर्क इन दिस सर्कल, नंबर ऑफ आर्क इन दिस सर्कल। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्क इन दिस सर्कल, इस सर्कल में ऐसा आर्क कितना है, नंबर ऑफ आर्क इन दिस सर्कल, इस आर्क में कितना सर्कल है, भले आर्क इस सर्कल में कितना आर्क है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सर्कमफ्रेंस को डिवाइड दे देंगे किससे, ठीक है, बेहतर है कि ये जगह इधर, अच्छा कोई बात नहीं, सर्कमफ्रेंस को डिवाइड दे देंगे किससे? आर्क से। कोई दिक्कत इसमें? मुझे जानना है कि ऐसा आर्क इस पूरे सर्कल में कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सर्कमफ्रेंस को, इस पूरे सर्कमफ्रेंस को डिवाइड दे देंगे किससे? आर्क से। तो नंबर बराबर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हुआ? 2πr, 2πr, ठीक है। आर क्या हुआ? आर क्या है? रेडियस, ठीक है। आर्क, आर्क, आर्क एल, एल कितना है, ठीक है। आर्क जो है एल, और एल यहां पर कितना है? एल आर के बराबर, ठीक है। यहां पहले आर एल लिख देते हैं, फिर अगले स्टेप में आर कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। 2πr, और यहां आर लिख देते हैं, यहां एल बराबर है किसके? आर के। मतलब मुझे आर रेडियस जितना, आर रेडियस जितना आर्क पूरे सर्कल में कितना होगा? आर रेडियस जितना आर्क, आर्क इस पूरे सर्कल में कितना होगा? तो सर्कमफ्रेंस बाय आर्क, 2πr बाय एल, एल किसके बराबर है? आर के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस आर से आर को काट दीजिए तो नंबर बराबर कितना आ गया? 2π। पाई की वैल्यू डालोगे तो 2 × 3.14, तो नंबर कितना हो जाएगा? 6.28, ठीक है, 6.28। अब समझना है ये जो 6.28 है इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझिए, 6.28 के कंसेप्ट को समझिए। इसको मैं घेराबंदी कर देता हूं, नाकाबंदी कर देता हूं, ठीक है। 6.28 क्या है अब ये थोड़ा समझना है। कितना आ गया? 2π, 2π 3.14, और ये 2π के चक्कर में ये पूरा पूरे सर्कमफ्रेंस को लिया गया है, इसलिए अगर हम पूरे डेविएशन देखें तो डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन हो गया 360, ठीक है। डिग्री के फॉर्मेट में देखिए, डिग्री के फॉर्मेट में पूरा एक चक्कर लगाने पे कितना डिग्री बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो पूरे सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो डिग्री कितना हो गया? 360। अब इस वाले को समझिए, 6.28 कहने का मतलब क्या? 6.28, तो एक तो ये हो गया, कहने का मतलब यह है कि ऐसा ऐसा आर्क रेडियस के जितना आर्क इस पूरे सर्कमफ्रेंस में कितना है, तो 6.28। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा आप मुझे बता देते ना तो बड़ी मेहरबानी। मैं बता रहा हूं, थोड़ा कलर चेंज कर लेने दीजिए मुझे। अब देखिए इसमें क्या है, समझिए। अब ये है हो गया, तो ये हो गया 2, ये 1, ये 2, ठीक है। उसके बाद ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, ठीक है। फ्री हैंड है इस वजह से घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हुआ 6, और ये जो बच रहा है ना, यही 2.8 है। ये जो बच रहा है, ये जो इतना बच रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इतना रिमेनिंग पार्ट है, इस पी को ऊपर लिख देते हैं, ये जो इतना हिस्सा है यही 0.28 है, 0.28, मतलब बात समझ रहे हैं आप कि अगर रेडियस कोई भी सर्कल ले लीजिए, कोई भी सर्कल, और उस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो उस रेडियस जितना आर्क अगर आप पूरे सर्कल में निकालना चाहोगे कि कितना वैसा वैसा आर्क आप निकाल पाओगे, तो 6 तो पूरा पूरी निकल जाएगा, लेकिन छोटा सा टुकड़ा हर में बचेगा, और उसी को हम लोग 0.28 बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई कि एक्चुअली में 6.28 का सिग्निफाइज क्या कर रहा है, व्हाट 6.28 सिग्निफाइज, या इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है 6.28 का। मतलब कि कोई भी रेडियस का सर्कल ले लीजिए, कोई भी सर्कल लीजिए, किसी भी रेडियस का, उस रेडियस जितना आर्क को जब आप उसमें से डिवाइड करोगे कि वैसा वैसा आर्क कितना है पूरे सर्कल में, तो जो बचेगा, 6 तो पूरा पूरी निकल जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो हो जाएगा 0.28। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दा पर। मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे सर्कमफ्रेंस के चक्कर में डिग्री कितना घूम गए? 360 डिग्री। कितना डिग्री घूम गए? 360 डिग्री। लेकिन 360 डिग्री घूम गए, और ये 360 डिग्री घूमने के चक्कर में रेडियन कितना बना? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, यहां पर सर्कमफ्रेंस क्या है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस एंगल कितना बना? 2π। कैसे एंगल बना? 2π, तो पूरा आर्क हो गया सर्कमफ्रेंस, और
रेडियस जो है ये आर्क जो है ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो जब हम पूरे सर्कल की बात करेंगे तो आर्क हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, फिर से समझिए, थीटा। जब हम एंगल की बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ कि जब हम पूरे सर्कल की बात करेंगे तो आर्क हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, आर्क हो जाएगा, बोलिए आर्क हो जाएगा सर्कमफ्रेंस, आर्क हो गया सर्कमफ्रेंस। और जो रेडियस है, ठीक है, वो तो रेडियस से ही हमने डिवाइड दिया, क्योंकि आर्क किसके बराबर, रेडियस के बराबर, आर्क किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, यहां लिख दो और क्लेरिफाई हो जाएगा, आर्क बराबर रेडियस, आर्क किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो एंगल कितना बना, 2π, क्योंकि 2π r बाई r कितना हो जाएगा, 2π, ठीक है। नहीं अगर और क्लियर करना है तो यहां पर मेरे साथ आ जाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस। पूरे सर्कल की बात करें, एक चक्कर लगाया हमने तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr और रेडियस हो गया r, तो r से r कट गया, तो थीटा कितना हो गया, 2π, ठीक है। थीटा कितना हो गया, 2π। जब थीटा 2π हो गया है तो डिग्री में कितना हुआ, 360 डिग्री में कितना हो गया, 360 डिग्री, एक चक्कर लगाए तो डिग्री में 360 डिग्री, ठीक है, डिग्री में 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में कितना, 2π, रेडियन में कितना, 2π। तो यहां हम रिलेशन लिख सकते हैं, अब यहां पर हम रिलेशन लिखने के काबिल हो गए, ठीक है। क्या रिलेशन लिखेंगे, देखिए, रिलेशन बिटवीन को BMW लिख देते हैं, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन। तो 360 डिग्री पहला, ठीक है, पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट मिला 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर है किसके, तो 2π रेडियन के, 2π रेडियन के, पहला ये रिलेशन, 360 डिग्री कितना के बराबर, 2π रेडियन के। दो से इसको काट दोगे तो मिलेगा 180 डिग्री बराबर है किसके, पाई रेडियन के। 180 डिग्री कितना के बराबर, पाई रेडियन के बराबर। अगर एक डिग्री की बात करें तो एक डिग्री इधर छोड़ दीजिए, 180 उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया डिग्री और रेडियन में। कैसे निकाला, बात समझ गए, सबसे पहले एक चक्कर लगाने में एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस का फॉर्मूला लगाया तो हमें मालूम चला कि कितना रेडियन बनेगा, 2π, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, ठीक है। तो 2π बना और डिग्री में वो कितना बनता है, 360, तो इसका मतलब 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर हो गया पाई बाई 180। तो ये रिलेशन है, ये बेसिक रिलेशन हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ये बेसिक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, ये बेसिक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग कन्वर्शन समझेंगे, ठीक है, कन्वर्शन कि कैसे हम रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर इतना में काम हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, एंगल क्या है, द क्वांटिटी विच टेल्स यू द अमाउंट ऑफ डेविएशन, ठीक है। डिग्री भी एक यूनिट है एंगल का, ये लार्ज यूनिट है, रेडियन भी एक एंगल है यूनिट का जो स्मॉल यूनिट है। और मैं आपको यही दोनों इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि पूरी जगह, पूरे फिजिक्स में, हमारे सिलेबस में हम लोग बस डिग्री और रेडियन को ही स्टडी करते हैं। ग्रेड आता है, ग्रेड अभी बताएंगे, ग्रेड का हम लोगों को उतना मानी मतलब नहीं है, मतलब नहीं, इस वजह से बस उसको देख लेंगे कि क्या है, लेकिन डिटेल में इसी दोनों को समझेंगे क्योंकि इसी दोनों का कन्वर्शन आता है। अब देखिए, एकदम मैं कन्वर्शन बता रहा हूं कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए मुझे ये जगह चाहिए। तो 180 डिग्री, 270 डिग्री, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। लालनी लुनली लेना,
कन्वर्शन कन्वर्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन. सर आप क्लास में, ओह सॉरी आई फॉरगेट अबाउट. ठीक है, कन्वर्शन करना है डिग्री से किसमें, रेडियन में. ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में कुछ क्वेश्चंस यहां लिख लेते हैं. जैसे कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू डिग्री टू रेडियन. ये भी सही है, ग्रामर हम लोग ग्रामर देख लेना आप कैसा है. 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये सब कॉमन एंगल है जो आपके जुबा पर होता है. बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है, उसके बाद और भी है, 270 भी ले लेते हैं. चलिए 270 डिग्री. ठीक है, 270 डिग्री और भी है आगे, बहुत सारा मिलेगा. तो इसको हम लोग डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में. तो एक कन्वर्शन आप समझ जाइएगा, तो रेडियन से आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि डिग्री जो भी आएगा, ठीक है, चाहे देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर डिग्री रेडियन टू डिग्री किया जाएगा सॉल्यूशन. क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिग्री से किस में करना है, रेडियन में. डिग्री से किस में करना है, रेडियन में. तो सबसे पहले 30 डिग्री, 30 डिग्री है, एकदम ध्यान से समझिए. क्या हम इसको 30 इंटू 1 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? नहीं, आप बताइए. नहीं, आप ही बताइए, क्या इसको हम 30 इंटू 1 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, बेशक लिख सकते हैं. 30 इंटू 1 डिग्री. अब जैसे ही मैंने 30 टू 1 डिग्री लिखा, तो 30 इंटू और 1 डिग्री मैंने यहां बाकायदा बक्सा में लिख दिया है. 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180. तो 1 डिग्री की जगह लिख दीजिए पाई बाई 180. 0 से 0 ढिचिक ढिचिक, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18. ओ माय गॉड, आपको 3 की टेबल याद है, पाई बाई 6. मतलब 30 डिग्री बराबर हो गया कितना, पाई बाई 6. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6. दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा सॉल्व करें, कौन सा 45 सॉल्व करते हैं. चलिए 45 में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बाप रे टफ, 45 तो सेम काम करना है, 45 इंटू 1 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं. 45 गुने 1 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 45 गुने 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो पाई बाई 180 डाल दो ना यार. यहाँ तुम क्या कर रहे हो यार, 5 से काटो, 5 नवा 45 ढिचिक, और 5 से घड़े 5 थी 15, 6 5 30 ढिचिक, और 9 का 9 9 चौके 36 ढिचिक, तो पाई बाई 4 कितना, 45 डिग्री आ गया पाई बाई 4. ओ माय गॉड सर, आप तो टैलेंटेड हो, मुझे सब सिखा दे रहे हो. ठीक है, मतलब अब देखिए, इतना करने से क्या समझ में आ रहा है, इतना करने से समझ में आ रहा है कि जब आप डिग्री से रेडियन में करोगे, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री टू रेडियन, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पाई बाई 180, मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180. बात समझ में आ रही है, ये सिंपल शॉर्टकट हो गया कि जब आप डिग्री से रेडियन में चल कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से. तो जब अगर आप रेडियन से डिग्री में करोगे, रेडियन से डिग्री में करोगे, तो क्या करना होगा, डिवाइड डिवाइड विथ पाई बाय 180. पाई बाय 180 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. ये दो रिमार्केबल बात हम लोगों ने समझ लिया, और ये कन्वर्शन में काम देगा. किस चीज में काम देगा, कन्वर्शन में काम देगा. ओ माय गॉड, इसका तो मुंडी कट गया. ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई जब डिग्री से रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में, तो डिवाइड कर देना किससे, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देना. कोई दिक्कत, 270 वाला भी देख लो आप, ताकि आपके दिमाग में कोई भी, 270 है तो 270 डिग्री फटाक से 270 गुने 1 डिग्री, और 270 गुने 1 डिग्री की जगह कितना लिखना है, पाई बाई 180. तो 270 गुने पाई बाई 180, ये कट गया 9 दुनिया 18, 9 तिया 27, मतलब 3 पाई बाई 2 आ गया. तो ये कन्वर्शन है
इतना में आपको कोई परेशानी नहीं रही होगी, बेहतरीन तरीके से आपको डिग्री और रेडियन दोनों आया होगा समझ में। अब हम लोग आखिरी चीज एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये सब देख लेते हैं। एंगल कब पॉजिटिव होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होगा। ये बातें हम लोगों ने समझ ली है, बेसिक बातें, सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली है। सब्सक्राइब करो ना अभी, अरे यार सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से एकदम, हाँ बेल आइकन भी दबाइए जल्दी से फटाक से। गुड, बहुत शुक्र मेरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बेल आइकन दबा दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। मिटा देता हूँ और फिर उसके बाद देखिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फटाक से। इतना समझने के बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को, एंगल की मेजरमेंट के जो सिस्टम्स हैं उसको, तो तीन सिस्टम है, सेक्सागेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या है, तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को हम लोग मेजर करेंगे डिग्री में। एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, एक डिग्री 60 मिनट। तो 60 लिखकर माथा पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, माथा पर एक लाइन दे देंगे, मतलब एक पावर में 1 दे देंगे, अगर डैश दे देंगे डैश तो 60 मिनट, एक मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, तो 60 और डबल डैश दे देंगे, ठीक है। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसमें डिग्री, एंगल का यूनिट क्या होगा, डिग्री। उसके बाद आता है सेंटेसिमल सिस्टम, तो इसमें एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, ठीक है, 100 ग्रेड्स के बराबर होगा, एक ग्रेड्स 100 मिनट्स के बराबर होगा, तो 100 सिंगल डैश, वन राइट एंगल कितना हो जाएगा 100 ग्रेड्स, वन ग्रेड हो जाएगा 100 मिनट्स और वन मिनट हो जाएगा 100 सेकंड्स के बराबर। तो ये सेंटेसिमल सिस्टम हो गया। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल मेजर करते हैं हम लोग किसमें, रेडियन में, और रेडियन बनाए किससे, रेडियस से। एक रेडियन कब कहलाएगा, जब आर्क, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस, जब आर्क की लेंथ रेडियस जितनी हो, और उस केस में जो एंगल सब्सटेंड होगा सेंटर पर उसे हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। तो हम लोगों को बस दो ही सिस्टम से मतलब है, सेक्सागेसिमल से और सर्कुलर से, सेक्सागेसिमल सिस्टम से मतलब है और सर्कुलर सिस्टम से मतलब है, हमें सेंटेसिमल सिस्टम से कोई मतलब नहीं। इसलिए पूरा डिटेल जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेक्सागेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पीएचडी किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, एंगल के ऊपर, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो जरूर आपके ऊपर अब वाजिब है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसके बारे में अच्छे से कंसेप्ट ले सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत बेहतरीन लेक्चर मिल गया, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने पास रखूंगा और किसी कोई दोस्त को नहीं दूंगा, मैं खुद टॉपर बन जाऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबका भला होना चाहिए, इसलिए सबको शेयर करना पर वाजिब है। सबसे शेयर करवाइए, सबसे लाइक करवाइए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए और फिजिक्स बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाइए और फिजिक्स के महारथी बन जाइए। और अगर आपके ऊपर, आपके पास कोई भी डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स है ना उसमें जाइए, चुक 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 पूरा डाउट अपना डालिए और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा और आपके डाउट को दिमाग से निकाल दूंगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।